सितारगंज में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, नानक मत्ता दिवाली मेले से लौट रहे श्रद्धालु की तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई और इस टक्कर में इतनी ज्यादा जबरदस्त थी ये टक्कर जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं एक श्रद्धालु की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सितारगंज की पूरी घटना है, तस्वीरें देख सकते हैं कितनी भयानक ये टक्कर थी कि इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के पर खच्चे उड़ गए और एक बार फिर से ये तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। हालांकि आपको बता दें कि श्रद्धालु मेला देख कर वापस लौट रहे थे। गोल चक्कर के पास ये बस एक गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई जिसमें एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, वहां पर आसपास के जो लोग थे उन्होंने सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ट्रॉली पलटने से काफ़ी सारा मास उसमें मरीजों को लाया गया यहाँ पे, जिसमें से एक मरीज की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी तो उन्हें ब्रॉड डेड हमारे यहाँ लाया गया और उसके अलावा कई पेशेंट ऐसे हैं जिनके फ्रैक्चर वगैरह हैं उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट के उपरांत हम आगे रेफर करेंगे और बाकी काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कुछ छोटे छोटे हैं उनका इलाज यहाँ पर कर दिया गया है। चौराहे पर पहुँचा, वहाँ मैं देखा ट्रैक्टर ट्रॉली एक्सीडेंट हो गई थी। 8:39 पे मेरे द्वारा 108 पे फ़ोन किया गया। 108 9:04 पे आई जिसके मेरे पास GPS फ़ोटो है। सरदार जी ये कह रहे थे लेट आए हैं तो क्या हो गया है, और वहाँ काफ़ी लोग एक्सीडेंटल थे जिसमें एक आदमी की डेथ हो गई है।